तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोर्ट फीस राउंड 901 में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है जेलीफिश एंड ग्रीन एप्पल्स। तो प्रॉब्लम ने हमें कहा है कि हमारे पास टोटल एन ग्रीन एप्पल्स पड़े होंगे और सबका वेट एट द एटमोस्ट 1 kg हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन एन एप्पल्स को टोटल एम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब आप मान लो आपके पास टोटल एन एप्पल्स हैं और आपको आपको उन एन एप्पल्स को टोटल एम बंदों में डिवाइड करना है, और वो भी इक्वली। मतलब हर एक बंदे के पास टोटल इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल जाना चाहिए। तो साथ में हमें एक कहा है कि हम एक ऑपरेशन में एक एप्पल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मेरे पास अगर एक एक एप्पल है, अगर उसको काट दिए बीच में से, तो 1 किलो का एप्पल मतलब वो क्या करेगा, वो दो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक एक हिस्से में 500 ग्राम रहेगा और दूसरे हिस्से में 500 ग्राम चल जाएगा। अगर मैं उस 500 ग्राम को फिर से डिवाइड करूँगा तो एक हिस्से में 250 ग्राम से जाएगा और दूसरे 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 पार्ट में भी 250 ग्राम से जाएगा। तो ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ नाइफ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कट्स जो हम मारे उन एप्पल्स के अंदर, सर डेट टोटल एम बंदों के ऊपर, टोटल मतलब टोटल एम बंदों के पास बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल चल जाए। देखिए हम जैसे आप अच्छा इसमें दे सकते हैं, हमारे पास टोटल 10 एप्पल्स हैं और 5 बंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक बंदे को एक एक सेब दे देंगे, एक एक एप्पल दे देंगे, तो सबके पास 2 2 किलो एप्पल चल जाएंगे और वो खुश हो जाएगा। मतलब हर एक बंदे के पास इक्वल एप्पल चल जाएंगे और नंबर ऑफ ऑपरेशन पेपर 0 रहेंगे। लेकिन देखो, अगर मैं इस वाले केस को लेता हूँ, मैं सेकंड बार बताता हूँ, अगर मैं इस वाले केस को लेता हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मेरे पास 10 है और बंदे मेरे पास 4 है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 2 2 एप्पल्स हर एक बंदे को दे दूँगा। मतलब मेरे 8 एप्पल जो ऐसे ही निकल गए, और मेरे पास 2 एप्पल जो मेरे पास 2 एप्पल एट देन बचेंगे, मैं क्या करूँगा उन एप्पल को एक एक बार दोनों को काट दूंगा। मतलब एक बार एक एप्पल को काटूंगा, दूसरी बार दूसरे एप्पल को काटूंगा, तो जो दोनों एप्पल है वो दोनों हाफ ऑफ हिस्सों में कट जाएंगे। मतलब वो जो 2 एप्पल है वो एट देन 4 एप्पल्स में, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में मिल जाएंगे मुझे। तो उन 4 इक्वल पार्ट को मैं एक एक बंदे को वापस दे दूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरे हर एक बंदे के पास 2.5 kg ऑफ एप्पल्स चल जाएंगे और नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें 5 ही लगे हैं। लेकिन देखो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में उन्होंने बोला है कि मेरे को एक एक एप्पल को मतलब 1 किलो एप्पल को 5 बंदों में डिवाइड करना है। लेकिन जो मेरे पास नाइफ है, नाइफ क्या कर सकता है, नाइफ सिर्फ उसको हाफ हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। मतलब जहाँ से देखो तो मेरे पास जो एप्पल की कॉन्फिगरेशन वो क्या बन सकती है, या मैं उसको 1 एप्पल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं उसको 2 एप्पल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या उन 2 को मैं और दो दो हिस्सों में काट कर मतलब 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उन 4 को मैं 8 में कर सकता हूँ। मतलब कभी वो वैल्यू 5 के इक्वल तो होने नहीं वाली ना, तो इसलिए इसका इसमें आंसर जो है मेरा माइनस हो जाएगा। तो यही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब मैं इसको आपको सोल्यूशन समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको फिर से ध्यान से पढ़ लो एक बार, अगर आपको ठीक से समझ नहीं आई है तो ठीक है। तो अब बढ़ते प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ। तो अगर देखो, अगर आपके पास मान लो एप्पल, ये देखो अगर आपके पास एप्पल, अगर मैं आपके पास एप्पल ऐसे बोल देता हूँ, अगर सपोज मान लो आपके पास जो एप्पल है वो टोटल वो एम के डिविजिबल है। एम के डिविजिबल से मतलब मेरा क्या है, मतलब देखो ये आपके पास एप्पल्स है और ये आपके पास कितने एप्पल्स है, 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं आपके पास एक और बना दूँ 8, तो देखो अगर आपके पास 8 एप्पल्स है, बस बंदे सिर्फ यहाँ पे 2 ही हैं, तो मैं क्या करूँगा, हर एक बंदे को 4 4 एप्पल दे दूँगा, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बंदे 4 है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक बंदे को 2 2 एप्पल दे दूँगा और इसमें मेरे को एक भी ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर मेरा जो एन है, अगर मेरा एन एम से बड़ा है, और मैं कह रहा हूँ अगर मेरा एन मॉडुलस एम इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास आंसर भी 0 होने वाला है। ठीक है, आपको चीज़ समझ आ चुकी है अच्छे से, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं हर एक बंदे को कुछ इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स प्रोवाइड कर दूंगा और मेरे को नाइफ यूज़ करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन देखो अगर मेरे पास एम, मेरा पास छोटा एम से, मतलब मैं अगर वो वाला केस में एक केस और है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अगर जो मेरे पास एन है अगर वो मेरा छोटा है एम से, मतलब मान लो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला केस अगर मैं ले लूँ, अगर मेरे पास एम, अगर मेरे पास बंदे 4 है, मतलब टोटल मेरे पास ये 4, टोटल बस एक बंदा ये रहा, टोटल 4 बंदे हैं और एप्पल मेरे पास सिर्फ 2 ही है, मेरे पास 2 ही एप्पल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एप्पल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, इस एप्पल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, तो एट दिन क्या होगा, इसके पास एक हिस्सा, इसके पास एक हिस्सा, इसके पास एक हिस्सा और इसके पास एक हिस्सा, तो हर एक बंदे के पास 0.5 kg जो एप्पल चल जाएंगे, वो भी इक्वली। लेकिन देखो अगर इसी की जगह मेरे पास यहाँ पे 3 एप्पल होते तो क्या करता मैं, अगर इसी की जगह इसके पास 3 एप्पल होते तो क्या करता, तो 3 एप्पल के केस में क्या होता, मैं इसको हिस्सों में डिवाइड करता, तो टोटल मेरे पास कितने आ गए, टोटल मेरे पास 6 हिस्से बन चुके हैं यहाँ पर इस टाइम पे। तो 6 हिस्सों में क्या करूँगा मैं,
मैं एक पार्ट इसको दे दूंगा, 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 ठीक है। लेकिन मेरे पास इस बार, अभी मेरे पास दो दो मतलब अभी मेरे पास 500 500 ग्राम के, या फिर मैं कहूँ 0.5 kg के दो एप्पल्स अभी भी पड़े हैं मेरे पास। तो इनको क्या करूँगा मैं, इनको मैं और दो दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि देखो इस पॉइंट तक मेरे पास हर एक बंदे के पास इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल पहुँच चुके हैं, लेकिन मेरे पास दो हिस्से अभी भी पड़े हैं 0.5 kg ऑफ एप्पल के। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से इसमें फिर से मैं डिवाइड कर दूंगा 4 हिस्सों के अंदर। इनको मैं कैसे डिवाइड करूँगा 4 हिस्सों के अंदर, मतलब मेरे पास जो एक एप्पल बचा था उसको मैं फिर से दो इस उसको मैं फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। कि देखो मेरे पास 0.5 kg के दो दो एप्पल्स पड़े हैं, मैं क्या करूँगा 0.5 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा और दूसरे 0.5 को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। तो अभी मेरे पास टोटल 4 बन चुके हैं, तो मेरे पास ये भी 4 बन चुके हैं, तो इन चारों को भी मैं एक एक किसको दे दूंगा। तो इसमें क्या होगा, पहले पहले ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, पहले ऑपरेशन के बाद हर एक बंदे के पास मेरे पास 0.5 kg ऑफ एप्पल चला गया, और दूसरे ऑपरेशन के बाद क्या हुआ 0.5 का भी हाफ हो गया, मतलब 0.025 है ना। तो मतलब हर एक बंदे के पास इतना अमाउंट ऑफ एप्पल चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास मैंने इस मतलब मैंने इस तरह मैंने क्या करा, मैंने हर एक बंदे के पास इक्वल नंबर ऑफ एप्पल प्रोवाइड कर दिए। और इस केस में मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरा इसमें आंसर बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले इनको डिवाइड करा एक एक हिस्से में डिवाइड करके, इनको फिर से इक्वल डिवाइड कर दिया, जो मेरे पास बचा उसको मैंने फिर से एक बार और काट दिया 4 ने, एक्चुअली इसमें आंसर 5 होगा मेरे पास। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 0.5 kg में दो थे, इन दोनों के दोनों के दोनों के ऊपर मैंने एक 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 टाइम एक टाइम एक एक टाइम और डिवाइड करा इनको, तो टोटल मेरे पास 5 होगा आंसर इस केस में। पर देखो इसमें कोई जनरल सोल्यूशन अभी तक बना नहीं ना, लेकिन इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो आई होप आपको मैं भी कुछ कोई इतनी चीज़ में क्लिक कर गया होगा कि एक्चुअल आंसर कैसे होने वाला है। तो देखो अगर मैं एक्चुअल आंसर की बात करूँ, तो मेरे पास क्या कहा, मेरे को बताना मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने मेरे को, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू बट ऑल द ग्रीन एप्पल्स अमंग द एम पीपल। तो ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर देखो अगर मेरे पास एन जो है, अगर मेरे पास जो एम है वो मेरे पास बड़ा है एम से, तो मैं क्या करूँगा। तो देखो अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ आपके पास, अगर मेरे पास जो फॉर बीइंग, अगर मेरे पास 26 था, ठीक है, अगर मेरे पास के में, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल 26 है और नंबर ऑफ पीपल मेरे पास 4 है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 4 बंदों के अंदर ये 26 एप्पल को डिवाइड करना है। तो देखो जो मेरे 24 एप्पल्स हैं, जो मेरे 24 विजिबल है 4 का, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली जो 24 एप्पल्स हैं उनको मैं क्या करूँगा, उनको इनमें डिवाइड कर दूंगा इक्वली। तो मतलब क्या, हर एक बंदे के पास 6 6 एप्पल्स चले जाएंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अब क्या, लेकिन इसमें से अभी भी 2 एप्पल्स बचे हुए हैं मेरे पास, तो उन 2 एप्पल्स को क्या करूँगा, उन 2 एप्पल्स को मैं फिर से डिवाइड करूँगा। तो एक एप्पल ये रहा, एक एप्पल ये रहा, तो इनके ऊपर मैं क्या करूँगा, इनके ऊपर फिर से नाइफ चलाऊंगा। इनके ऊपर नाइफ चलाने से क्या होगा, इनके ऊपर नाइफ चलाने से कुछ नहीं होगा, बस होगा ये कि एक हिस्सा इस पर चल जाएगा, फिर से एक हिस्सा इस पर चल जाएगा, और इसका एक हिस्सा इस पर चल जाएगा, और इसका एक हिस्सा इस पर चल जाएगा। वो टोटल एट द एंड हर एक बंदे के पास कितना जाएगा, हर एक बंदे के पास 6.5 kg ऑफ एप्पल चला जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने थे, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन सिंपल 2 थे मेरे पास, क्योंकि मैंने जो बचे हुए 2 एप्पल्स थे उनको फिर से दो दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, है ना। तो देखो अभी आई थिंक जो सोल्यूशन जनरलाइज बन रहा है मेरे पास, अगर अगर मेरा जो है, अगर जो मेरा, अगर जो मेरा एन मेरा ग्रेटर देन एम है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली तब तक लूप चलाऊंगा जब तक मेरा एम मोरलेस एम स्मॉलर देन एम नहीं होगा। ये मैं कहूँगी तो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात देखो, अगर देखो मेरे पास जो मेरे पास यहाँ पे केस था, मतलब 26 मेरे पास टोटल एप्पल्स थे, उसमें से 2 बच रहे थे, अगर मेरे पास एम मेरे पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 26 के आपको यहाँ पे 27 लिख दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 27 से आपको एक चीज़ और समझ आएगी अभी। तो देखो 27 के केस में क्या होगा, पहले क्या होगा, हर एक बंदे के पास 6 6 एप्पल्स चले जाएंगे, है ना, 6 6, मतलब कि यहाँ पे एम मेरा 4 ही है, तो हर एक बंदे के पास 6 6 एप्पल्स चले गए। लेकिन देखो अब मेरे पास 3 एप्पल्स और बचेंगे बाद में, है ना, तो 3 एप्पल्स जो मेरे पास बच रहे हैं वो ऐसे होंगे यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, इन 3 एप्पल्स को फिर से हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड कर दूंगा, है ना, इन 3 एप्पल को मैं फिर से हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड करूँगा। तो इसको हाफ, इसको हाफ, इसको हाफ, तो इसमें क्या होगा, टोटल 6 मेरे पास पीसीस और आ गए निकल के। तो 6 पीसीस में क्या करूँगा, 6 पीसीस में जो मेरे 4 पीसीस हैं उनको तो मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा इनके अंदर फिर से। क्योंकि देखो जो मेरे पास ये पीस है, इसको मैं मतलब हाफ में यहाँ पे, हाफ में यहाँ पे दे दूंगा,
मतलब 0.5 यहाँ पे चला गया, 0.5 यहाँ पे चला गया, 0.5 यहाँ पे और 0.5 यहाँ पे। तो इस 0.5 0.5 डिवीजन से क्या हुआ, मेरे पास जो ये वाले एप्पल्स हैं वो टोटली कंज्यूम हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक एप्पल बचा, मतलब जो तीन था उन तीन को भी मैंने 2 में डिवाइड करा। उन तीन को जब मैंने 2 में डिवाइड करा तो 3 × 2 हर एक एप्पल को मैंने 2 में डिवाइड करा, तो टोटल मेरा अब टोटल 6 एप्पल्स बच गए मेरे पास एट देन। मतलब 6 एप्पल्स नहीं, 6 पीसेस मेरे पास फिर से आ गए फिर से। तो मैं 6 पीसेस को क्या करूँगा, इन 6 पीसेस को मैं फिर से के में वापस डिवाइड कर दूंगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ये लूँगा 6 मॉडुलस 4 निकालूंगा। 6 मॉडुलस 4 से क्या होगा, तो मैं टोटल नंबर ऑफ पीसेस मेरे पास बचेंगे बाद में। तो देखो 6 मॉडुलस 4 मेरे पास 2 होता है, और 2 मेरे पास क्या है, 2 मेरे पास वही है जो मेरे पास नंबर ऑफ पीसेस बाद में बच रहे हैं। तो इन 2 पीसेस को मैं क्या करूँगा, इन 2 पीसेस को मैं फिर से 2 हिस्सों में और डिवाइड करूँगा। तो देखो ये मेरे 2 पीसेस थे, तो देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक यहाँ पे, तो देखो ये मेरे पास ये आ गया, ये देखो ये 500 ग्राम, ये भी 500 ग्राम है। तो इसको मैं फिर से डिवाइड कर दूँगा 2 2 हिस्सों में, मतलब इसको मैं फिर से डिवाइड कर दूँगा 2 2 हिस्सों में। तो अब देखो इनको मैंने अगर फिर से डिवाइड कर दिया 2 2 हिस्सों में, तो मेरे पास फिर से 4 निकल के आ गए, 4 पीसेस मेरे पास फिर से आ चुके हैं। लेकिन जो 4 पीसेस ये है मेरे पास 0.25, तो हर एक बंदे के पास फिर से 0.25 ग्राम फिर से आ जाएगा। तो एट देन मेरे पास यही आंसर बन जाएगा, मतलब 6 + 0.5 + 0.25 या कहूँ 0.025, तो जो भी है ये आंसर मेरे पास एट देन बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, तो देखो 24 को तो मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया एक वाली, तो मेरे पास 3 बचे थे, इन 3 के ऊपर मैंने फिर से ऑपरेशन करवाया। तो मतलब तीनों को मैंने फिर से हाफ में डिवाइड कर दिया, तो 3+। अब देखो 3 तो हो गया, अब मेरे पास जो ये कल्ला बचा था, इस कल्ले में मैंने जो मेरे पास एक 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 किलो के सेब यहाँ पे बचा था, मैंने इसको फिर से और 2 2 हिस्सों में डिवाइड करा। मतलब इसका हाफ को मैंने हाफ में फिर से डिवाइड करा, और ये ऑपरेशन मैंने दोनों हाफ के साथ सेम रिपीट करा, तो मतलब +2। तो सिंपल जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आई होप सो आपको प्रॉब्लम में समझ आ चुकी है। तो अगर मैं इसको कोड दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसको कोड बताता हूँ, कोड इसका बहुत सिंपल है, तो आप इसका कोड दे सकते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने अपने एन और एमिन दोनों इनपुट ले लिए, और मैं तब तक लूप चला रहा हूँ जब तक मेरा i 1000 छोटा है। 1000 को लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि ये मेरा 1 kg इनमें गिवन है, मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ स्पेसिफाई करा नहीं कि मेरे जो ग्राम है उनको भी मेरे को मिलीग्राम से वापस डिवाइड करना है, तो बस ये 1000 ही रहेगा फॉर सेक ऑफ बीइंग। तो मैं तब तक लूप चलाऊंगा जब तक मेरा एन मॉडुलस, जब तक मेरा एन 0 के इक्वल लाता हूँ। तो अगर देखो अगर मेरा किसी भी पॉइंट पे एन मेरा एम से बड़ा ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा, एन इज इक्वल टू एम मॉडुलस एम ले लूँगा। मतलब देखो इस केस में क्या हुआ था, फर्स्ट में क्या होगा, मेरे 27 27 है वो 24 24 में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें 6 6 सब पास इक्वल चले गए है ना। तो इसका जो मेरा 3 बचा, उन 3 को मैंने वापस डिवाइड करा 2 2 के अंदर, तो ये टोटल 6 बन गया। लेकिन जो 6 है ये भी जो मेरा 4 से बड़ा है ना, तो इसमें क्या होगा, जो मेरे बचे जो मेरे पास ये थे इनको मैंने वापस हाफ हाफ में इक्वली डिवाइड करा था। तो देखो यहाँ पे मेरा अगर फिर से बड़ा हुआ, तो फिर से जो मेरा एन है इस पॉइंट पे जो मेरा एन है वो मेरा 2 बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर मेरा एन 2 बन गया, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास ये 2 बचा था उस 2 को मैं वापस इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा है ना। तो कहाँ पर, एक मिनट, उस 2 को मैं वापस इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, जिससे मेरे क्या होगा, मैं आंसर में अपने एन प्लस कर दूंगा। और एन क्यों प्लस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ एन प्लस करने का रीज़न यही है, क्योंकि देखो जो मेरे पास यहाँ पे 27 था, 27 के बाद जो मेरे 3 एक्स्ट्रा थे, तो इन तीनों को मैंने हाफ हाफ में डिवाइड करा था ना, तो हाफ हाफ में डिवाइड करने से क्या होगा, ये सब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और मैं आंसर में एन प्लस कर दूंगा। और साथ में जो मेरे एन एन को मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ, ये देखो 3 को इक्वली डिवाइड करने में क्या होगा, मेरे पास 3 × 2 मतलब टोटल 6 पीस और आ गए, तो इससे क्या होगा, मेरा एन इंटू 2 हो जाएगा। और सिंपली अगर देखो अगर मेरा एन मेरा कभी 0 बन ही नहीं पा रहा, तो मैं सिंपली माइनस रिटर्न करूँगा, एल्स मैं अपना आंसर प्रिंट करके रिटर्न कर दूंगा। सो यही थी प्रॉब्लम की इंडिशन और स्टेटमेंट। अगर आपको समझ आ रही हो तो थैंक यू। तो अब मैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। सो टिल दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, थैंक यू।